नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को लगी फटकार की, आत्मनिर्भर भारत पर उठे सवाल की, जानेंगे कि पीएम मोदी के चेहरे पर कैसे शुरू हुई बगावत, साथ ही बात होगी बीजेपी के खिलाफ बनने वाले महागठबंधन की, और बुलेटिन के आखिर में बात देश की जीडीपी में गिरावट के एक और अनुमान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित, व्यावसायिक समुदाय से भारत में निवेश की संभावनाओं पर की बात। एयर इंडिया की विनिवेश की शर्तों में हो सकता है बदलाव, निजी हाथों में एयर इंडिया को सौंपने की तैयारी में है सरकार। अमेजॉन पहुंचा सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर, मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल के सामने आ सकती है मुश्किलें, अमेजॉन ने लगाया रिलायंस के फ्यूचर ग्रुप पर समझौता तोड़ने का आरोप। तीर्थयात्रियों को रेलवे ने दी सौगात, अब लोग आसानी से जा सकेंगे कटरा, जल्द शुरू की जाएगी दिल्ली से कटरा जाने वाली स्पेशल ट्रेन, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। और शेयर बाजार लगातार छठे सत्र में बढ़त के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 40,183 और निफ्टी 11,875 पर हुआ बंद, टीसीएस इंफोसिस सहित आईटी कंपनियों के चढ़े शेयर। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत शुरू हुई तो सरकार ने पूरे देश में पूर्णबंदी का ऐलान कर दिया, लेकिन समस्या रुकने की जगह बढ़ती चली गई। इस बीच दिल्ली के निजामुद्दीन में बने मरकज में तबलीगी जमात का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में शामिल कुछ लोग बाद में संक्रमित पाए गए। इसके बाद देश की मीडिया, खासतौर पर टीवी चैनलों पर देश में संक्रमण फैलाने के मामले के लिए जमात को ही दोषी ठहराने की मुहिम से चल पड़ी। लेकिन आज कोर्ट ने न्यूज चैनलों की रिपोर्टिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, तबलीगी जमात को देश में संक्रमण फैलाने के मामले में मीडिया ने दोषी बना दिया था। इस तरह का माहौल बना दिया गया था कि एक वर्ग देश में खुशहाली नहीं चाहता, और ये सब किसके इशारे पर किया गया, ये जांच का विषय हो सकता है। आज कोर्ट ने इसे लेकर सरकार से सख्त लहजे में पूछ भी लिया कि वो बताए कि मीडिया की एक तरफा रिपोर्टिंग क्यों की गई और सरकार ने क्या किया, क्या सरकार इस मामले में घिर गई है, आप क्या कहेंगे? देखिए सृष्टि, ये कोई पहला मौका नहीं है जब तबलीगी जमात के मामले में सरकार घिरी हो, बल्कि मार्च के, आपको याद होगा कि आखिरी सप्ताह के बाद से जिस तरह तबलीगी जमात के नाम पर देश के अल्पसंख्यक वर्ग को निशाने पर लिया जाने लगा, तभी से सरकार के रवैये पर इस देश के जागरूक लोग आवाज उठा रहे थे। मीडिया में दिखाई जा रही खबरों में जिस तरह का पक्षपात नजर आ रहा था, उसे लेकर चिंता जतला रहे थे। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी साफ साफ कहा था कि तबलीगी जमात के लोगों पर गलत इल्जाम लगाए गए हैं, महामारी के प्रसार को लेकर उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने देश विदेश के जमातियों पर दर्ज किए गए केस को रद्द करने के आदेश भी दिए थे कायदे से, तभी सरकार को उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था सृष्टि। लेकिन तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया, और आज भी जिस तरह हलफनामे में गोलमोल बातें सरकार ने की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जतलाई है, उससे साफ समझ में आता है कि सरकार शायद इस तरह की भ्रामक खबरों को फैलाने वालों पर कोई सख्ती ही नहीं दिखाना चाहती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उसके अपने मकसद सजते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर सरकार की ओर ही उंगली उठी है, इसलिए देखना यह होगा सृष्टि कि एक बार फिर सरकार कोई सख्ती दिखाती है या नहीं। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मुसीबत और एलएसी विवाद के बाद मोदी सरकार ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया और देश को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी जाने लगी, जिसे आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया गया। लेकिन अब सरकार की इस योजना पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद योजनाओं की झड़ी लग गई। ऐसा लग रहा था कि सरकार दोगुनी चौगुनी रफ्तार से विकास करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे ही योजनाएं समय के साथ ही ठंडे बस्ते में चली गई। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में भी पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का एक नया शिगुफा छोड़ा था, और इसके लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया गया, लेकिन पीएम के आत्मनिर्भर अभियान पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर सवाल उठाए हैं। राजन ने आशंका जताई है कि कहीं ये संरक्षणवाद में न बदल जाए, क्योंकि पूर्व में भी इसका बेहतर परिणाम नहीं मिला है। आर्थिक शोध संस्थान ICRIER के वेबिनार को संबोधित करते हुए रघुराम राजन ने ये बातें कही। साथ ही रघुराम राजन ने पीएम मोदी की मंशा को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर सरकार का आत्मनिर्भर भारत से क्या मतलब है।
यदि ये उत्पादन के लिए एक प्रकार का परिवेश बनाने जैसा है तब ये मेक इन इंडिया पहल का ही दूसरा नाम जैसा है। पूर्व गवर्नर का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार एक योजना का हिंदी रूपांतरण कर दूसरी योजना बता रही है और आम जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या मोदी सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी किसका बेड़ा पार करेंगे इसे लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बिहार में एलजेपी ने एनडीए से खुद को किनारे कर लिया और अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है, लेकिन उनका कहना साफ है कि हम जेडीयू से अलग हुए हैं, बीजेपी से नहीं। अब पीएम के फोटो के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी और एलजेपी में विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में एनडीए का एक अलग स्वरूप देखने को मिल रहा है। एलजेपी को तवज्जो नहीं मिली तो चिराग ने अलग लड़ने का फैसला लिया। एनडीए में बीजेपी से अलग नहीं, सिर्फ जेडीयू से अलग, मतलब चिराग जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, बीजेपी के खिलाफ नहीं। लेकिन अब एक नया विवाद जन्म लेने लगा है, वो है बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी के फोटो के इस्तेमाल का। बिहार चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के फोटो के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी और एलजेपी में नोकझोंक शुरू हो गई है। मंगलवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने दो टूक कहा था कि पीएम के फोटो का इस्तेमाल एनडीए में शामिल चार दल जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी ही कर सकेंगे, जिस पर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं और हमारे नेता भी हैं, इसलिए हम उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे। बीजेपी ने बुधवार को एक बार फिर एलजेपी को चेताया है कि पीएम हमारे दल के नेता तो हैं ही, स्टार प्रचारक भी हैं, इसलिए एनडीए को छोड़ कोई भी दल अगर पीएम की तस्वीर का इस्तेमाल करता है तो बीजेपी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। लेकिन एलजेपी ने साफ कर दिया है कि हमारा वैचारिक मतभेद जेडीयू से है, बीजेपी के साथ केंद्र में हमारा मजबूत गठबंधन है, चुनाव के बाद भी ये गठबंधन बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के रोल मॉडल हैं, वो विकास के भी मॉडल हैं, उनके विचारों को हम देश और दुनिया में ले जाएंगे। अब ऐसे में जेडीयू की मुसीबत बढ़ सकती है, जब पीएम के पोस्टर के साथ दोनों के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे तो जनता के सामने भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि पीएम किस उम्मीदवार के साथ हैं। खैर, बीजेपी की प्रतिक्रिया आने के बाद नीतीश की टेंशन थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन अगर चिराग ना माने तो चुनाव में नीतीश को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में एक तरफ पीएम मोदी के चेहरे को लेकर एनडीए में लड़ाई शुरू हो गई है, जो नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा रही है, तो चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग की परेशानियां भी कम नहीं हो रही है। स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान चुनाव प्रचार के हालात पूरी तरह से नियंत्रण में बने रहें, इसलिए आयोग लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है और अब चुनाव आयोग ने पार्टियों के स्टार प्रचारकों को लेकर बड़ा फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनावों के साथ ही देश में 56 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग पर पहले ही तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने संवैधानिक मजबूरियों का हवाला देते हुए चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। चुनाव के ऐलान के साथ ही अब चुनाव आयोग के लिए स्वास्थ्य मुसीबत को थामने की चिंता भी है, क्योंकि प्रचार के दौरान उभरने वाली भीड़ नई मुसीबत पैदा कर सकती है। आयोग द्वारा इसे लेकर तमाम उपाय किए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान करने तक के लिए तमाम नियम बनाए गए हैं। संक्रमण से बचने के उपाय किए जा रहे हैं और अब आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी है और गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या भी 20 से कम करके 15 कर दी गई है। इसके साथ ही आयोग ने अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि चुनाव से संबंधित हर चरण की अधिसूचना जारी होने के 10 दिन के भीतर पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंप सकती है, जबकि इसके पहले उन्हें 7 दिन का समय मिला करता था। बिहार में 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को 3 चरणों में मतदान होना है। दूसरी तरफ उपचुनावों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि चुनाव के दौरान बंद कमरे में हॉल की क्षमता के 50% लोग ही रह सकते हैं, लेकिन यह संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकती है। चुनावी सभा में सभी को मास्क पहनना आवश्यक होगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना अनिवार्य होगा। मतदान करने आए सभी वोटरों और वॉलेंटियर्स की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी अनिवार्य होगा। चुनाव के दिन खुले इलाकों में ग्राउंड के आकार के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जाएगा और वोटिंग प्रक्रिया के दौरान भी सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। सभी को मास्क और अन्य तरह के सुरक्षा पैरामीटर पूरे करने के बाद भी प्रवेश दिया जाएगा।
इन तमाम सुरक्षा के मद्देनजर बनाए गए नियमों के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। वोट करना अधिकार है तो स्वास्थ्य मुसीबत में खुद सुरक्षित रहना और गाइडलाइंस का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनावों को लेकर सख्त फैसला ले रहा है। जिन राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटों पर उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा चुनाव है और यहां बीजेपी कांग्रेस के बागियों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनाव के बीच भंवर में उसकी कश्ती अब डूब सकती है क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे शिव का राज भी डोल सकता है। क्या है कांग्रेस का कार्ड, देखिए इस रिपोर्ट में। 25 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल थामकर सूबे में नई सरकार तो बनवा दी, लेकिन अब उन बागी नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस बयानों के जरिए उन्हें घेर रही है बल्कि अब तो विपक्षी दल ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा दिया, जिस पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भी राजी हो गया। दरअसल याचिका में कांग्रेस ने मांग की है कि करोड़ों में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए 25 विधायकों से उपचुनाव में होने वाली खर्च राशि वसूली जाए। कांग्रेस का कहना है कि 25 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग के 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यह राशि 25 बागियों से वसूली जाए। कांग्रेस की इस याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट के रुख के बाद कांग्रेस बीजेपी पर आक्रामक हो गई है। याचिका स्वीकार होने के बाद पार्षद गुड्डू चौहान ने बताया कि हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि कांग्रेस विधायक बीजेपी से 35-35 करोड़ रुपए लेकर पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारी हाईकोर्ट से मांग है कि प्रत्येक विधानसभा में आने वाले लगभग 1 करोड़ का खर्च का भुगतान इन विधायकों से लिया जाए, क्योंकि ये विधायक थे तो इस्तीफा क्यों दिया, और इस्तीफा दे दिया तो फिर क्यों अब विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की याचिका बागियों को मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि अगर कोर्ट ने भुगतान करने का फरमान सुना दिया तो उनके हाथ से पैसा चला जाएगा, जिसके लिए उन्होंने पद छोड़कर कमल को थामा था। वैसे ये याचिका बीजेपी के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। अगर कोर्ट ने एक्शन लिया तो 25 नेता कटघरे में आ जाएंगे और शिव का राज भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने उपचुनाव में कांग्रेस के बागियों को ही टिकट थमाया है। ऐसे में टीम 25 के फेर में बीजेपी बुरी तरह फंस चुकी है। अब तो नजरें कोर्ट के फैसले पर ही टिकी है। मध्य प्रदेश में दल बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद सरकार बनी, लेकिन अब उन्हीं दल बदलने वालों के कारण इस बार सरकार मुसीबत में पड़ सकती है। मुश्किल में तो यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी पड़ सकते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कयास लगाए गए हैं कि चाचा भतीजा फिर से एक साथ आएंगे, लेकिन शिवपाल के एक बयान ने इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने रिश्तों को लेकर ऐसी बात कह दी है जिससे विलय को लेकर फैसला सबके सामने आ गया है। मुलायम परिवार में मची कलह समय समय पर बाहर आती रही है। कभी पिता मुलायम और पुत्र अखिलेश आपस में टकराते हैं तो कभी चाचा भतीजा एक दूसरे को आंख दिखाते हैं। खैर, पिता और पुत्र के रिश्तों पर जमी बर्फ तो अब पिघल गई है, लेकिन चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश ने अब तक हाथ नहीं मिलाया है। हालांकि कई मौकों पर दोनों ने साथ आने के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन अब शिवपाल ने उन्हें खारिज कर दिया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में शिवपाल यादव ने साफ किया है कि उनकी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में नहीं होगा। उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि प्रसपा का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहेगा और किसी के सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये संकेत जरूर दिए कि बीजेपी के खिलाफ वो गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। शिवपाल यादव ने मीटिंग के दौरान गैर बीजेपी दलों की एकजुटता का आह्वान किया, साथ ही ये भी कहा कि प्रसपा का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहेगा और पार्टी विलय जैसे एकाकी विचार को एक सिरे से खारिज करती है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उनके सम्मान के साथ कोई समझौता न होने का भरोसा दिलाया। शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, व्यवसायी, मध्यम वर्ग और युवाओं को सिर्फ छला है। सरकार शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और इलाज उपलब्ध करा पाने में पूर्णतया नाकामयाब रही है। बेटियों को सुरक्षा और न्याय न दे पाने की वजह से जनता में सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है, इसीलिए गैर बीजेपी दलों को साथ आकर इस पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा। शिवपाल यादव के बयान से साफ है कि वो सपा में विलय को राजी नहीं है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन उभरता है तो शिवपाल उसके साथ जुड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि क्या देश के सबसे बड़े सूबे में फिर बन पाता है महागठबंधन। उत्तर प्रदेश में चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही खटपट शुरू हो गई है। वैसे खटपट तो राजस्थान में भी एक बार फिर से शुरू हो सकती है, क्योंकि पायलट के फैसलों पर चलने वाली कांग्रेस में अब सब बदलता नजर आ रहा है। पार्टी में अब सचिन की जगह माकन का दबदबा नजर आ रहा है। कांग्रेस ने पायलट की बजाय माकन को तवज्जो दी है। माकन का यह फॉर्मूला कांग्रेस में फूट की वजह बन सकता है, यहां तक कि पायलट फिर से कांग्रेस के लिए बड़े परेशानी बन सकती है। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है?
क्या अब भी कांग्रेस पायलट से बना रही है दूरी? क्या सचिन संग चलने को तैयार नहीं है पार्टी? इन सवालों को जन्म कांग्रेस के उस फैसले ने दिया है जिसमें पायलट को दरकिनार कर माकन को महत्व दिया गया है। दरअसल पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के समय राजस्थान कांग्रेस कमेटी कार्यालय में शुरू हुई जनसुनवाई का सिस्टम अब स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार के मंत्री अब पीसीसी में जनसुनवाई नहीं करेंगे। इसके बजाय अब प्रदेश प्रभारी अजय माकन के नए फॉर्मूले पर काम करते हुए जिलों में जाकर जनसुनवाई करेंगे। तय फॉर्मूले के अनुसार अब मंत्रियों को हर महीने जिले में जनसुनवाई करके अपनी रिपोर्ट कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सीएम को देनी होगी। बताया जा रहा है कि पीसीसी में होने वाली मंत्रियों की जनसुनवाई का ग्रास रूट स्तर पर आम जनता और कार्यकर्ताओं में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि पीसीसी की जनसुनवाई की बजाय जिलों में आम जनता की सुनवाई से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नई व्यवस्था में मंत्री जिलों के दौरों में वहां पार्टी के दफ्तरों में जाकर पदाधिकारियों से भी मिलेंगे। इसका मकसद मंत्रियों का जिलों में पार्टी के कार्यकर्ताओं तक सीधा संवाद कायम करना और जमीनी स्तर पर सरकार और पार्टी का फीडबैक लेना है, ताकि स्थानीय स्तर पर अगर जनता या कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो तो उसे दूर किया जा सके। इस व्यवस्था से मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा। माकन के नए फार्मूले के मुताबिक मंत्रियों ने जिलों में जनसुनवाई का एक दौर पूरा कर लिया है। कांग्रेस ने जनता के करीब जाने के लिए भले ही जनसुनवाई को बंद कर दिया हो, लेकिन इस फैसले से कहीं न कहीं असर पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि इससे सचिन पायलट की नाराजगी बढ़ सकती है। वैसे ही पार्टी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। गहलोत सरकार के एक्शन के बाद अब तक तय नहीं हुआ है कि कांग्रेस में पायलट की भूमिका क्या रहेगी। क्या उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की कमान दोबारा मिलेगी? इन सवालों के जवाब का इंतजार पायलट के समर्थक भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भूमिका तय करने की बजाय उनके फैसले को पलट रही है। अभी देखना होगा कि इस पर सचिन पायलट की क्या प्रतिक्रिया आती है। और बुलेटिन के आखिर में बात जीडीपी में आए गिरावट के अनुमान की। मोदी सरकार कहती है कि देश के हालात सुधर रहे हैं, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन हकीकत इस दावे से कोसों दूर है, क्योंकि सच ये है कि ना तो स्थिति सुधर रही है और ना ही आने वाले वक्त में संभलने वाली है, बल्कि मुश्किलें और बढ़ने वाली है। ये अनुमान वर्ल्ड बैंक ने लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी को लेकर वो आंकड़े पेश किए हैं जो लोगों को निराश करने वाले हैं। महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था उस दौर में पहुंच गई है जहां से विकास का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। कई महीने गुजर गए इस उम्मीद में कि अब तो माहौल सुधरेगा, अब स्थिति में सुधार होगा, अब हालात सुधरेंगे, लेकिन ये इंतजार लंबा होता जा रहा है और अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगा दिया है कि भारत की जीडीपी बढ़ने की बजाय कम होगी। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफी खराब है। महामारी के कारण कंपनियों और लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं। इसके साथ ही पूर्णबंदी का भी देश पर गहरा असर हुआ है। बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि मार्च 2020 में शुरू हुए चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है। हालांकि 2021 में आर्थिक वृद्धि दर वापसी कर सकती है और 4.5% रह सकती है। आबादी में वृद्धि के हिसाब से देखें तो प्रति व्यक्ति आय 2019 के अनुमान से 6% नीचे रह सकती है। इससे संकेत मिलता है कि 2021 में आर्थिक वृद्धि दर भले ही सकारात्मक हो जाए, लेकिन उससे चालू वित्त वर्ष में हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकेगी। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हेंस टिमर ने कहा कि हमने अभी तक जो भी देखा है, भारत में स्थिति उससे बदतर है। ये भारत के लिए एक अप्रत्याशित स्थिति है। पीएम मोदी की नीतियों को कठघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि देशव्यापी पूर्णबंदी से काफी नुकसान हुआ है। करीब 70% आर्थिक गतिविधियां, निवेश, निर्यात, खपत ठप हो गई थी। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं जैसे कृषि, खनन, उपयोगिता सेवाओं, कुछ वित्तीय आईटी सेवाओं तथा सार्वजनिक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति थी। पीएम मोदी के फैसले ने लोगों को राहत नहीं दी है, इसीलिए अब भारत को काफी सोच समझकर कदम उठाना होगा। अब वर्ल्ड बैंक ने भी अनुमान जता दिया कि भारत के हालात ठीक नहीं होने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा मोदी राज में कैसे लगेगी देश की नैया पार। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।